तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम एक बार फिर से निकल पड़े हैं एक न्यू लोकेशन पे। तो उस लोकेशन का नाम है सांबर लेक, और अभी हमें रास्ते में नैना के पास में, तो आगे की ओर चलते हैं। और आज हमारे साथ कौन कौन है मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ। तो इनको तो आप जानते होंगे, ये हमारे भगवत सेठ जी, और इधर हमारे डॉक्टर साहब, और इधर हमारे दीपक भैया। तो डॉक्टर साहब आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हो आप। गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिप्लॉन के अंदर, और आज एक नई जर्नी हमने शुरू करी है, पैराडाइज ऑफ बर्ड्स इन राजस्थान, जिसका नाम है सांबर झील, सांबर लेक। आज हमारी ट्रिप है वहाँ पे, और हमारा जो वहाँ पे मोटिव है जाने का वो है अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ को कैप्चर करना और पिंक फ्लेमिंगो बर्ड्स को कैप्चर करने का। हमारी जर्नी शुरू हुई रात 12 बजे से। हम 12 बजे से निकले सांबर लेक से, पास में अजमेर शहर है, वहाँ से हम लोग रवाना हुए। ब्यावर से भगवत आए, इनको हमने किशनगढ़ में ज्वाइन किया, अभिषेक ने और दीपक ने, और हम सब निकल पड़े रास्ते में। अभी बज रहे हैं सुबह के 4, हमारा टारगेट है वहाँ पे सुबह 5 बजे तक पहुँचने का। अभी करीब हम 30 किलोमीटर दूर हैं, खड़े हैं हम हाईवे के बीचों बीच, सुनसान रोड है। हमने सोचा क्यों ना आपको हम अपने ब्लॉक्स के बारे में बताना शुरू करें। तो ये जर्नी है अजमेर टू सांबर लेक की। सांबर लेक अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी जगह है, इसको हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। अभिषेक क्या लग रहा है, कैसा रहेगा अपना ट्रिप? तो गाइस ये ट्रिप तो बहुत अच्छा होने वाला है, और अच्छा होएगा, और काफ़ी अच्छे शॉट्स आने वाले हैं सिनेमेटिक, और वहाँ पे बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो बने रहे इस ब्लॉग में। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, भगवत बर्ड्स के बारे में थोड़ा बताओ, वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? बर्ड्स के बारे में हम लोग बेसिकली ट्राई करेंगे, अभी अक्टूबर है तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम फ्लेमिंगोज देयर, सो फ्लेमिंगोज हमें मिलनी चाहिए। फ्लेमिंगोज के अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हमको मिल सकते हैं, जैसे डेजर्ट फॉक्स हुआ, या फिर नीलगाय तो वैसे आजकल कॉमन है, पूरे राजस्थान में कहीं पे भी दिख जाती है। और उसके अलावा कुछ लोकल बर्ड्स भी दिखेंगी, और हम लोग ट्राई करेंगे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को कैप्चर करने का। वाटर बर्ड्स तो वैसे भरतपुर में और काफ़ी जगह आ चुकी है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकती है। कांवरे माता का मंदिर हम दर्शन करेंगे और लेक में जाएंगे, तो बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है आगे ट्रिप के अंदर, तो और एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बस मिलते हैं सीधा लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस, जय शाकंभरी माता, जय शाकंभरी माता की जय। गाइस हम लोग रास्ते पे हैं, सफर में हैं, अभी हमारा जो ट्रिप है आज का सांबर लेक का, हम उस तरफ जा रहे हैं रास्ते के अंदर, और काफी सुनसान रोड है। आप देख सकते हैं कि रात के 4 बज रहे हैं, मतलब सुबह के 4 बज चुकी है, और हम 5:30 बजे तक हमारा टारगेट है सनराइज से। अभिषेक वो क्या है सामने? रुको 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 रुको, वो क्या है सामने उधर? ये क्या है? वो क्या है? वो क्या था? गाड़ी बैग लो, गाड़ी बैग लो, गाड़ी बैग लो। अभी मैंने यहाँ कुछ देखा था, देखा तो मुझे भी था, अभी मुझे यहाँ कुछ दिखा था काला सा, बिल्कुल इसी जगह। हाँ बिल्कुल इसी जगह दिखा तो मुझे। भी कुछ नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ देखा था यार, कुछ जानवर था पर गाय तो नहीं दिया, वेरी श्योर कुछ था, क्या था? देखा तो मुझे भी था। तो गाइस अभी हम रास्ते में जा रहे थे, और एकदम रोड के बीचों बीच मुझे कोई गाय या घोड़ा नजर आया अंधेरे के अंदर, और जैसे ही हमने गाड़ी रोकी और थोड़ा पीछे लेके देखा, रास्ते में कुछ भी नज़र नहीं आया हमें। देखते हैं, हम थोड़ा सा और आगे पीछे कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि वो क्या है, क्योंकि ये रोड बिल्कुल सुनसान है, आसपास कोई घर नहीं है, कोई रास्ता, कोई बस्ती नहीं है यहाँ पे। कुछ है क्या जुगाड़ खाना वाना बनाने का? अभी देखना का। घोड़ा भैया माचिस मिलेगी आपके पास? राम राम। क्या लोग दिए भाई, अरे यार ये तो घोड़ा था। गाइस यहाँ पे हमने रैंडमली एक रास्ते में बिल्कुल बीचों बीच एक घोड़े को अभी हमने देखा, जो कि एकदम रोड के बीच में अपीयर हुआ, डिसअपीयर हुआ और वापस आ गया।
को 2 ग्लास 6 कप बना दो। तो गाइस आप देख सकते हो अभी हमारे ये देखो सामान वामान सब हमने बाहर निकाल दिया है क्योंकि हमको पीनी है चाय, और चाय बना रहे हैं हमारे सर। ये काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं, फिर वही मिल्क पाउडर वाली बनाएंगे। दूध तो हमने लिया नहीं है, दूध लाना फिर से भूल गए हम। मिल्क पाउडर वाली चाय भी पियेंगे अभी। नहीं ये भी बहुत अच्छी होती है सर, उस दिन बनाई थी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ट्राई करते अच्छी बनानी। तो ये देख सकते हो गाइस ये रेडी है, ये इधर पानी उकल रहा है देख सकते हैं आप। ये आज की हमारी लोकेशन आप देख सकते हैं। अभी गाइस पूरा अंधेरा अंधेरा है, आपको कुछ नहीं दिखेगा, जैसे जैसे उजाला होगा, जैसे जैसे उजाला होगा जब से आएगी दिखाएंगे हम लोग, बर्ड्स भी दिखाएंगे, बर्ड्स बिल्कुल। क्या हुआ, सर्दी लग रही है? हाँ सर्दी लग रही है। चलो गाइस इन लोगों को सर्दी लग रही है, मैं चला कार में। बाय 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 बाय। तो गाइस देखो मैं तो आ चुका हूँ कार में, और यहाँ पे सर जो है सर भी बैठे हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल कार में आराम से मजे ले रहे हैं, और बाहर हम देखो हम सर्दी में। भाई सर्दी लग गई शॉर्ट्स के अंदर है ना, इसलिए आप बाहर नहीं आ रहे हो। चलो सही है, तो फिर मैं भी आ ही जाता हूँ है ना क्यों मेरा भी आना बनता है। तो गाइस देखो हम तो आ गए गाड़ी में, और वो लोग देखो अपनी अपने लिए चाय बना रहे, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस बाहर से अभी हमको अपडेट मिला है कि हमारी चाय हो चुकी रेडी, तो एक बार हम जाके देखते हैं चाय कैसी बनी, और बनी भी सही है। ऐसे ये हम सो रहे तो ये छेड़ रहे थे हमको। तो गाइस चाय बन तो गई, तो सर आपने बनाई दी आखिर में चाय बिना दूध की? बिना दूध। तो गाइस भाई मिल्क पाउडर है इसमें, ये रही हमारी चाय। तो गाइस जैसे कि अभी इन्होंने भी पी ली है चाय, और सर ने भी पी ली है, सर ने भी पी ली है चाय। तो चाय कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया चाय, मजा आ गया, बिल्कुल आनंद आ गया सर को चाय में। और अब हमारे सर बना रहे हैं मैगी, आप देख सकते हो यहाँ, ये देखो मसाले के बॉक्स ही बॉक्स। ये हमारा जादू पिटारा सर का जादू पिटारा है, इसमें सारे मसाले है। और ये देख सकते हो मैगी की तैयारी है, फिर खा पी के हम करेंगे शूट अपना आगे। खुशबू आ रही है शानदार, शानदार खुशबू आ रही है, शानदार खुशबू आ रही है। सर का हाथ का तो बनता है शानदार है हर चीज, मजा आ जाता है। और ये गया मैगी मसाला। मैगी बन चुकी है,
तो गाइस हम आ गए अजमेर से करीब 100 किलोमीटर दूर फ्लेमिंगो बर्ड्स की तलाश में, और हम अभी खड़े हैं फुलेरा डिस्ट्रिक्ट के पास में सांबर लेक झील के किनारे। ये एक छोटा लेक है, इसका नाम है नलियासर लेक जो हमारे पीछे है। हमने काफ़ी रिसर्च करी थी, हमने सुना था कि कुछ फ्लेमिंगो बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ बर्ड्स यहाँ पे देखे जाते हैं। हम सुबह 5 बजे से यहाँ पे साइट की तलाश में यहाँ पे रुके हुए थे। मीनवाइल हमने हमारा नाश्ता किया जो कि हम साथ कैरी कर रहे थे, एक छोटी सी कैंपिंग हमने करी, चाय वगैरह बनाई और मैगी वगैरह बना के हमने खाया और गोल्डन सनराइज़ हमने देखा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हमने यहाँ पे कुछ बर्ड्स को कैप्चर किया मगर फ्लेमिंगो बर्ड हमें अभी नहीं मिली। तो भगवत अपन क्या करें, अब यहाँ से नालेसर लेक जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से हमें लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, शाकंबरी लेक जाना चाहिए। वो लेक इससे बड़ी है, काफ़ी बड़ी लेक है, हमें वहाँ जाके सर्च करना चाहिए। वैसे यहाँ पे जो बर्ड्स है, जो हमने अभी जो बर्ड्स देखी उनमें से कॉमन कूट यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, और एंटीलोप तो हमने आपको वीडियो में बता ही दिया, एंटीलोप जो कि जिसको हम लोग यहाँ पे लोकल भाषा में नीलगाय भी कह रहे हैं, नीलगाय कहते हैं हम लोग, इसको मारवाड़ी में रोजड़ा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एंटीलोप कहते हैं। तो वो हमने देखे और कुछ और डिफरेंट वैरायटी की बर्ड्स देखी, उनका एग्जैक्ट नेम तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता तो मैं नाम नहीं बता सकता। हम डिस्क्रिप्शन के अंदर या कॉमन कूट है और फिर यहाँ पे हेरन भी देखे हमने। तो चलिए फिर अपन आगे चलेंगे। अब हमारी जर्नी है यहाँ से 26 किलोमीटर दूर शाकंबरी लेक पे, जहाँ पे शाकंबरी माता का मंदिर भी है और आज नवमी भी है। तो आज हमारे दो काम होंगे, एक तो हम देखेंगे फ्लेमिंगो बर्ड्स और मीनवाइल नवमी के दिन हम दर्शन करेंगे शाकंबरी माता के, और वहाँ पे जाएंगे शाकंबरी लेक पे जो कि सांबर झील के नाम से फेमस है, वहाँ जाके हम तलाश करेंगे कि हमें फ्लेमिंगो बर्ड्स की साइट हो जाए। दीपक, आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल में दीपक, आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम आए और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और बस से फ्लेमिंगो बर्ड दिख जाए फिर आज की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, अगर नहीं भी दिखते तो कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा आएंगे उन्हें देखने के लिए। बिल्कुल, हम दोबारा आएंगे और हमारा इस बार हम पूरे उसके साथ आएंगे। तो गाइस बने रहिए, चलो चलते हैं। फिर अब हम चलते हैं, पैकिंग करते हैं यहाँ से और हम निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग फ्लेमिंगोज देखने आए, हमको फ्लेमिंगोज दिख तो गए बट फ्लेमिंगोज देखने के साथ साथ हम लोग एक बहुत ही बड़ी रिस्क में है अभी इस टाइम। हमारी गाड़ी पूरी फंस चुकी है, डॉक्टर साहब ट्राई कर रहे हैं कुछ करने का, जुगाड़ करने का, इसको निकालने का। देखिए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं आए हम लोग, गीले में सूखे तक थे बट जब जैसे हमको गीले का एहसास हुआ हमने ब्रेक लगाए, बट ब्रेक लगाते 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 ये मिट्टी इतनी चिकनी है कि हमारी गाड़ी आगे ही नहीं जा पा रही है। हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं बट कुछ नहीं हो रहा इसका। और ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों को दूर से जो फ्लेमिंगोज दिख गए थे, ये सामने फ्लेमिंगोज हमारे, ये देखिए वो रे फ्लेमिंगोज सामने, वो व्हाइट कलर के जो आपको दिख रहे हैं ना, वही फ्लेमिंगोज है। सो मैं ट्राई करता हूँ इनको कैप्चर करने का जब तक हमारे फ्रेंड्स लोग, बाकी टीम मेंबर्स इस गाड़ी को बाहर निकालेंगे फिर से। मैं जाता हूँ फ्लेमिंगोस के पास, इट सीम्स अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर है यहाँ से डिस्टेंस पे। अब मुझे पैदल ही उनके पास जाके उनको शूट करना पड़ेगा। तो हम आए थे सांबर लेक और हमारी गाड़ी अभी फंस चुकी है, बहुत ही शानदार वाली सांबर में इडली की तरह तैर रही है। ये देखो, बहुत ज़्यादा आगे नहीं आए, आप पीछे बताइए अभिषेक। हम लोग जरा से आगे आए और हम लोग फंस गए बस। ये देखो गाइस, बोनट तो अलर्ट हुए, बोनट तो मैंने खोला हुआ है वो, ताकि गाड़ी गर्म हो गई थी ना, कोशिश कर रहे थे। और ये मेरे जूते, मेरे जूते देखिए, ये देखिए आप शूज शानदार हो रहे ना, पूरी गीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। और हम आए भी कितने से जरूर वैसे यार, कोई गलती नहीं हमारी एक्चुअली। मैं देखो, गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था और मैं उधर से आ रहा था, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा था, मैंने ब्रेक तो वहीं लगा दिए, लेकिन ये ठहरी भाई हमारी नई रानी क्रेटा एबीएस वाली, तो ब्रेक वहाँ लगाए, यहाँ आके रुकी और स्लिप भी हो गई थी यार, इसकी कोई गलती नहीं है, ब्रेक तो वहीं लगा दी, स्लिप होती होती है, यहाँ तक आ गई। कोई ना, आज हम मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछो कैसा लग रहा है रेस्ट करते हुए। नहीं, डॉक्टर साहब का कहना ये है इमरजेंसी केस आ गया मेरे पास अभी, इमरजेंसी में डॉक्टर साहब संभालेंगे हमको, एनर्जी बचा रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब,
बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी का प्रिजर्वेशन कर रहा हूँ, अभी प्रिजर्व कर रहा हूँ। करो करो करो, अगर हम लोग कोई बेहोश हो जाए तो डॉक्टर साहब हमें संभालने के लिए। यस यस यस, ठीक है। तो एक जना होने वाला है जिसका हाथ में कैमरा तो गाइस देख सकते हो। उधर वाला टायर बताओ, खोद के कितना साफ कर दिया अपन ने। ये देखो इधर वाला सन्ना, हाथों से खोद खोद के देखो टायर को बढ़िया रंगीन बना दिया, ये देख सकते हो। चलो गाइस मैं भी अब झूम जाऊँ इसमें, अब थोड़ा मुझे भी हाथ रंगीन करने पड़ेंगे। देखो हमारे लिए ट्रैक्टर आ रहा है और अभी ये हमारी गाड़ी को निकालेगा। आ गया आ गया आ गया। तो गाइस काफ़ी इंतज़ार के बाद ट्रैक्टर आया है और देख सकते हो आप, देख सकते हो ट्रैक्टर आ गया है, अभी ये गाड़ी को निकालेगा। ये जो अपनी गाड़ी फंसी हुई है ये निकालेगा। ये देखो टाइट तो ही है। देखो गाइस ये रही गाड़ी, ये रहा ट्रैक्टर। ये रहा ट्रैक्टर, भैया आ गए। मेरा चला जाएगा। गाइस गाड़ी पूरी कीचड़ में हो गई थी, तो हमें यहाँ पास में गांव पे, हमने इस गाड़ी को जितना हो सकता था क्लीन किया,
फिर भी अभी तक हमारे शूज़, हमारे कपड़े आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कीचड़ में हो रखे हैं। टायर्स अभी भी गंदे हैं, पर विंडशील्ड वगैरह हमने थोड़ी साफ़ करी है गाड़ी की, एटलीस्ट हमें कुछ विजिबिलिटी रहे। अभिषेक ने बहुत मेहनत करी है, इस बेचारे ने जय श्री राम जी गाड़ी पूरी साफ़ कर दी, बेचारा पूरा उसमें हो गया। चलो चलेंगे यार। लेट हो रहा है, बस अब हम निकलेंगे क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया आज इस कीचड़ की वजह से। दर्शन करते पहले, माता के दर्शन करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ट्राई करेंगे कुछ। चलो, इस नल में प्रेशर तेज है, भगवत की भी हालत टाइट, पसीने पसीने हम लोग सारे, दीपक जी भी थक गए आज, इन्होंने इनकी मेहनत से गाड़ी बाहर निकल पाई है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग शाकंभरी देवी के मंदिर पहुंच गए। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमको हमारी गाड़ी को लेक से निकालने में, और अभी तक जो आपने देखा इस वीडियो में, हम लोगों ने जो भी वाइल्ड लाइफ की साइटिंग करी वो भी आपके साथ शेयर करी है। सो ये जो शाकंभरी देवी है इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये सांभर लेक कैसे बनी। सो इस स्टोरी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ये लेक, जो सॉल्ट लेक है, इतनी बड़ी जो सॉल्ट लेक है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नवमी है, नवरात्र का टाइम है और काफ़ी भीड़ है, श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। वैसे मेला काफ़ी बड़ा तो नहीं है, बट हाँ मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा है यहाँ पर।